चैनल पे यार नए हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लेना। क्या आपको ये पता है कि नेटफ्लिक्स की सबसे डरावनी मूवी कौन सी है जिसे कुछ परसेंट से लोग देख पाए? फ्रेंड्स, क्या BMW वालों ने सच में लोगों को अप्रैल फूल्स डे पर मजाक किया? क्या सच में रेडबुल पीने के बाद इंसानों में पंख लग जाते हैं और वो उड़ने लग जाते हैं? तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरे एंड तक। पॉइंट नंबर पहला, एक 12 साल का बच्चा जिसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, उसके टीचर ने उसे कहा फुटबॉल खेलना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, फुटबॉल तुम्हें खाने को कुछ नहीं देगा, तुम भूखे ही मरोगे भूखे, और आज जाके देखो रिकॉर्ड में कौन है। और टीचर्स की छोड़ो, मैं उस बंदे का खुद ही बहुत बड़ा फैन हूँ। पता नहीं टीचर्स कौन से सस्ते नशे करके किसी को भी कुछ बोल देते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, क्या आपको पता है कुत्ते भौंकते हुए ही अच्छे लगते हैं, पर बसंती नस्ल के ये कुत्ते अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भौंकते, क्योंकि इन्हें भौंकना आता ही नहीं और न ही यह कभी भौंक सकते हैं। पॉइंट नंबर तीन, सन 2015 में BMW वालों ने अप्रैल फूल्स डे स्पेशल के नाम से एक विज्ञापन को रिलीज किया, जिसमें BMW वालों ने कहा कि आप अपनी पुरानी गाड़ियों को लेके आइए और यहाँ से ब्रांड न्यू BMW लेके जाइए। तो सबको ये एक मजाक लगा कि ये एक अप्रैल फूल्स डे प्रैंक है, तो कोई भी नहीं गया, पर एक औरत मजाक में ही वहाँ पर एज ए फन एज ए मजाक वहाँ पर पहुँच गई अपनी खटारा को लेकर, और BMW वालों ने सचमुच उसे एक ब्रांड न्यू BMW दे डाली। पॉइंट नंबर चौथा, दोस्तों रेडबुल के विज्ञापन में दिखाया जाता है कि उसे पीने के बाद आपके पंख लग जाएंगे और आप हवा में उड़ने लगेंगे। अमेरिका के ही एक बंदे ने उस एड को देखकर रेडबुल को पीना शुरू कर दिया, पर उसके पंख नहीं लगे, जिसके बाद उसने रेडबुल पर अदालत में केस ठोक दिया। उस बंदे ने रेडबुल की ऐसी धुलाई की कि रेडबुल कंपनी वालों ने उस बंदे को 93 करोड़ रुपए देकर उसका मुंह बंद करवाया। पॉइंट नंबर पांचवा, दोस्तों आज तक हम बहुत सी डरावनी मूवीज देखते आए हैं, पर क्या आपको पता है नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी मूवी है जिसका नाम है वेरोनिका। यह मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक है कि इस मूवी को आप कभी भी पूरा नहीं देख पाओगे। यह नेटफ्लिक्स ने दावा किया है कि इस मूवी को आज तक 100 में से एक बंदा ही पूरा देख पाया है, बाकी के लोग छोड़ के भाग गए। वैसे इस मूवी को एक रियल घटना पर बनाया गया है, एक लड़की जिसका नाम था वेरोनिका, उसकी बड़े ही दिल दहला देने वाली मौत होती है, जिसे आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मूवी को कमजोर दिल वाले ना देखे तो ही बढ़िया है, नहीं तो ये मूवी देखते देखते ही आपकी मौत हो सकती है। अगर आप भी अपने आप को बहादुर समझते हैं तो जाके इस मूवी को देख सकते हैं।